हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू अवर मैथ सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 6 लेसन नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर एक्सरसाइज नंबर यस 3.5 एक्सरसाइज नंबर 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर योर फेवरेट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. Which is this question? Can you imagine? Yes, you are right, my dear students. The question is here. That is a yes. True or false? Everyone like these questions. See, the question number 1 is here. Which of the following statements are true? Just write 2 T, otherwise F. False means F. First question, if a number is divisible by 3, it must be divisible by 9. True or false? It is written true. Will you believe it? Purposefully I put it here true, but it is a false, my dear student. Correction. First question, first correction. False. Why? कोई भी नंबर है वो 3 से डिवाइड है वो 9 से हो गया ऐसा कंपलसरी नहीं है. जैसे 9 है 9 से डिवाइड होगा, 18 है 18 3 से भी होगा 9 से भी होगा, 21 है वो 3 से डिवाइड होता है 9 से नहीं होगा. दैट्स व्हाई इट्स अ फॉल्स. 30 3 से होगा 9 से नहीं होगा. पक्का? वेरी गुड. नाउ सेकंड वन. सेकंड नंबर इज इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3. यस, सेकंड के लिए सही है. 18 है वो 3 से भी होगा, 27 वो 3 से भी होगा, 36 है वो 3 से भी होगा. ओके गुड. थर्ड वन, सी ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6. यस, आई सेड इन लास्ट एक्सरसाइज 3 मल्टीप्लाई बाय 6 दिस गिव 18. इन 18 ऑल्सो इट इज डिविजिबल बाय 3 एंड 6. डी If a number is divisible by 9 and 10 both, then it must be divisible by 90. Yes, it is true. Dekh lo. Hai ke true? Yes, true. Next one. If two numbers are co-primes, once again co-primes, one only factor is common. At least one of them must prime. Hona chahiye ya nahi hona chahiye? False se beta. Jaruri nahi hai. प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है, दोनों नंबर भी हो सकते बेटा. ये तो 215 216 के बारे में देखा था हमने लास्ट टाइम. यस, ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8. जैसे 3 और 9 कैसे 4 और 8 का रिलेशन है बेटा. ओके वेरी गुड. नाउ लुक एट द ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 4. यस, 8 से होगा और 4 से होगा. बड़ा नंबर से जो होता है छोटा नंबर से होगा, होगा और होगा. फिर से रिपीट करता हूं बेटा, 9 से डिवाइड वो 3 से होगा, 8 से डिवाइड 4 से होगा, बट 4 से जो है 8 से होना जरूरी नहीं है. ओके नेक्स्ट वन, इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम. बहुत बढ़िया, बड़ा क्वेश्चन है. उसका आंसर मैंने दे दिया ट्रू, बट कैसे किया आपको समझ में नहीं आया. इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली, कोई भी एक नंबर है दो नंबर को डिवाइड करता है सेपरेटली, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम ऑल्सो. उसका नंबर रहेगा उसका सम करेंगे तो उसको भी डिवाइड करेगा. जैसे 3 एंड 6 का भी आगे लिया था. यस 18. इफ ए नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड टू नंबर सेपरेटली. ये कंपल्सरी है नहीं. सो सभी क्वेश्चन हमने अभी पढ़े वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है. एक में यस आएगा, इसमें फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, इसी तरह से रहेंगे. ये पहला क्वेश्चन. 3.5 का दूसरा क्वेश्चन है,
बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और मजेदार है, पजल टाइप का क्वेश्चन है मेरा। सी द क्वेश्चन, हियर आर टू डिफरेंट फैक्टर्स ट्री, ट्री का मालूम है ना, ब्रांचेस आर कमिंग, ऐसे नीचे नहीं आती, एक्चुअली ऊपर जाती है, बट हम इसे दिखाने के लिए चलाते रूट्स समझते हैं। 460 के लिए बताया बेटा, राइट द मिसिंग नंबर, मैं बड़ा करके दिखा रहा बेटा, ये वाला आंसर बाद में देखेंगे बेटा, पहले क्वेश्चन समझो। 60 इज द नंबर, उसका दो भाग कर दिया बेटा, वन इज 6 एंड सेकंड इज 10, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो बेटा, 6 10 16, यस करेक्ट। अच्छा 6 का भी दो भाग कर दो बेटा, इधर है 2 और उसका मल्टीप्लाई और इधर है डैश क्वेश्चन मार्क, इसका भी दो भाग कर दिया बेटा, 1 is 5 एंड सेकंड इज क्वेश्चन मार्क, तुमको ये ढूंढने का है। टू को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो 6 मिलता है 3, वेरी फास्ट बेटा, इधर 3 आंसर आना चाहिए, आइए अभी मैं पक्का नहीं बोलूंगा, मैं आपको ढूंढने के लिए बोलूंगा। ओके दूसरा, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 10 मिलेगा बेटा, यस 2 से, तो मेरा हो गया पक्का आंसर। और एक फाइनल की बता दू, ये जो लास्ट में जो भी बचता है बेटा, लास्ट में जो भी, उसको सबको मल्टीप्लाई कर दो एक के साथ एक के साथ एक, तो आपको जो पहला वाला नंबर है ना वो मिलेगा, ये मैजिक है, मैथ्स मैजिक, अंडे का फंडा। 2 into 3 6, 6 5 30, 32 my year to year, yes listening correct 60। All are very clever. चलो B के बारे में सोचते बेटा, कोई स्टूडेंट ऐसा लिखा, कोई स्टूडेंट ऐसा लिखा, फाइनल आंसर रिमेन सेम ओनली, 2 into 2 into 3 into 5, एक स्टूडेंट ने 6 10 जैसे स्टार्ट किया था, अभी ऐसा ही एक 60 का दूसरा देखो, कोई एक स्टूडेंट ने 60 का दो भाग किया, एक का नहीं या 30 और दूसरे का क्वेश्चन मार्क बनाया, मीन्स इसका मल्टीप्लाई करना बेटा, यस 32 तो ये भी सही है बेटा। ओके इसके बाद उसने क्या किया, 10 into 10 किया, 10 के साथ क्या लिया बेटा अपने, 3 ले लिया, तो हो गया 30। लास्ट में देखो 10 3 30 30 into 2 60, आप इधर से भी जाओ या इधर से भी जाओ, कहीं से भी जाओ आंसर सेम मिलेगा। चलो आंसर्स आर हियर ऑलरेडी यू टेकन बेटा, और 5 का भी आगे किया, तो लास्ट में मैंने जो बताया था ये रूट है मेरा, लास्ट वाला, इसमें लास्ट वाला रूट ये है मेरा, सभी का आंसर सेम है, आगे पीछे होगा नंबर, 3 इधर आएगा, 5 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, नो डोंट वरी, बट 4 नंबर है नीचे, इसमें भी 4 नंबर है नीचे, 4 नंबर आर देयर, और वी कैन राइट इन सिंपल वे दिस वे। ओके ट्री स्ट्रक्चर वेरी गुड वन, दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस नेवर लूज द मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, इन प्राइम फैक्टराइजेशन, एक नया वर्ड आया प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, व्हाट द थिंग्स आर कमिंग इन प्राइम फैक्टराइजेशन, द लास्ट स्टेप्स शुड बी ऑल प्राइम नंबर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स, उसमें वो नंबर और 1 को इंक्लूड करना नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है। प्राइम नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हम देखेंगे बेटा, तो आपको पता चल जाएगा क्या करना है, फैक्टराइजेशन, नाउ फैक्टर एंड फैक्टराइजेशन डिफरेंट थिंग, सी द क्वेश्चन 4, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द इट्स प्राइम फैक्टर्स,
प्राइम फैक्टर ही लेने का बेटा, मल्टीप्लाई मिलेगा, सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा आंसर। सबसे पहले तो फोर डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर 9999, पक्का करेक्ट। देर आर टू मेथड, वन इज ए मल्टीप्लीकेशन मेथड एंड सेकंड इज ए डिविजन मेथड और लैडर मेथड। हम इधर लैडर मेथड में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन ट्री मेथड। तो सबसे पहले बेटा आपने कर दिया इधर 99999 बड़ा वाला नंबर, उसका दो भाग बनाओ पहले, कोई भी कहीं से भी स्टार्ट करो, कोई बात नहीं, कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है, नो प्रॉब्लम। हमने लिया 9 और 111 पक्का दो भाग कर दिया उसका। अच्छा 9 का और दो भाग बनाओ, डिवीजन मल्टीप्लाई हो बेटा, इसका दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर मिला, 9 into 1111 गिव्स मी 9999। सो 9 का दो ऐसा नंबर निकालो जो मल्टीप्लाई होगा तो 9 बनेगा। यस यू आर राइट माई डियर स्टूडेंट, 3 into 3 9 पक्का। व्हाट अबाउट 1111, उसका भी दो नंबर बनता है बेटा आपके सामने, 11 and 101। तो ये देखो लास्ट में क्या बचा आपके पास में, 3, 3, 11 and 101। ये जो चार नंबर मिले बेटा वो सबका मल्टीप्लाई करो तो आपको मैजिक होगा और आपको ये आंसर मिल जाएगा। पक्का। और एक मैजिक, अंडे का फंडा, जादू, लास्ट नंबर्स ऑल आर प्राइम नंबर्स, सॉरी करेक्ट, लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर। Write the smallest 5-digit number and express it in the sum of the its prime factors. कोई बात नहीं, smallest 5-digit number है 1000, 4 prime 0, उसका prime factorization करते जाओ बेटा, कहीं से भी start करो, कोई भी number से multiply करके उसका 2 division लिखो, उसके बाद उसका करते जाओ, please करते जाओ, 4 का 2 into 2, 2500 का 20 into 100, 25 का 25 into 5, 100 का 20 into 5, 20 का अगेन कर दो बेटा 4 into 5, 5 का और आगे हो सकता नहीं है। तो लास्ट में आपको मिल गया बेटा 2 into 2 into 2 into 2, कितनी बार मिला, 4 बार, 5 into 5 into 5 कितनी बार मिला, 4 बार, देख लो काउंट करके। मनोज सर बोल रहे सही बोल रहे गलत बोल रहे, 1, 2, 3 और 4 बार 2 मिला, 5-4 बार आना चाहिए। तो देखो 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, लास्ट में देखने का, बीच वाला नहीं, बीच में तो पाए आएगा कोई भी आएगा वो देखने का नहीं, ये मेरा रूट है बेटा zigzag, उसके बाद नीचे कोई नहीं है, करेक्ट, वेरी गुड स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट 6 questions इज हियर, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, फाइंड ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। Now state the reaction relation if any between two consecutive prime numbers. एक बहुत बढ़िया मैजिक है इसमें। पहले तो smallest से start करते हैं division. ये division है बेटा. Ladder method. Yes, yes, yes. Ladder method. आपने ऐसा कुछ किया था पहले. मेरा लाइन थोड़ा आगे पीछे आप समझ सकते हैं. Drawing. I accept my drawings. Very nice. Superb. 7 से डिवाइड होगा पहला नंबर, 247 मिला बेटा, बराबर है, और 247 को 13 से डिवाइड किया तो मुझे 19 मिलेगा, 19 को 19 से डिवाइड कर सकते बेटा 1 है। रिलेशन बोले बेटा, इसका रिलेशन कुछ समझ में आ रहा है कुछ को आपको, 7, 13 और 19 के बारे में? यस, पहले तो इसको सबको मल्टीप्लाई करो आपको ये आंसर मिलेगा। दूसरा देखो 13 में से 7 माइनस करो कितना मिलता है आपको बेटा, 6। उसका दूसरा सोचो, 19 में से 13 माइनस करो बेटा, आंसर क्या मिला, 6। ये दोनों में से ये माइनस किया, ये दोनों में से ये माइनस किया, सी 13 माइनस 7 6 एंड 19 माइनस 13 6।
The difference of two consecutive prime factors is 6. Of this only, not for all. 1729 के बारे में बात कर रहे हैं. सभी के लिए मत लगा लगा रहे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. The sum of two consecutive odd numbers is divisible by 4. Verify this statement with the help of some examples. बेटा देखते हो इसमें क्या देखा है. Sum of two consecutive odd numbers is divisible by 4. तो पहले तो दो ऑड नंबर चाहिए मुझे. 3 प्लस 5 ले लिया तो 8 बन गया बेटा. यस विच इज डिविजिबल बाय 4 है पक्का. दूसरा मैंने ले लिया 15 एंड 17 दोनों प्राइम नंबर है बेटा. सॉरी ऑड नंबर से उसका एडिशन हुआ 32 वो भी 4 से डिविजिबल है. 19 एंड 21 है दो ऑड नंबर लिए बेटा वो हुआ 40 तो भी हो सकता है. कुछ और सोचते हैं कुछ भी करो आप मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. सपोज कोई स्टूडेंट बोले मुझे सर 5 प्लस 7 लेने का है. ले लो 5 प्लस 7 कितना हो गया बेटा 12 4 से डिवाइड है. यस है राइट. यू आर राइट माय डियर स्टूडेंट्स. सो मेनी आंसर इट मे बिहेविंग बट यू हैव टू शो इट. टू ऑड नंबर सम टेक एनी टू. 3 प्लस 7 यस वेरी गुड स्टूडेंट. 3 प्लस 7 कितना हो गया 10. तो ये नहीं हो सकता. कंपल्सरी नहीं ऑल हो सकता है सर. यस वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 9 इज हियर. इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन. बेटा इसमें दिखा है आपको एबीसीडी में चार ऑप्शन दिए है. चार ऑप्शन सबको पता करके बता देने का है कि कौन कौन से है जो डिविजिबल विथ प्राइम फैक्टराइजेशन है. हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं बेटा. कोई बात नहीं आप आराम से समझ सकते हैं. अगला क्वेश्चन में हम थोड़ा टाइम लेंगे. फिर से समझा दो. प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है वहां पे कंपोजिट नंबर नहीं आना चाहिए. ओनली प्राइम नंबर्स. फर्स्ट देखो ए. ए का आंसर आपको दिया इधर साइड में 2 × 3 × 4 होता है बराबर है 2 × 3 = 6 × 6 = 24 आ गया पक्का है. लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बोथ आर इक्वल. चेक दिस नंबर 2 इज प्राइम नंबर. यस 2 इज प्राइम नंबर. 3 इज प्राइम नंबर. यस 3 इज प्राइम नंबर. 4 के फैक्टर्स कितने हो बेटा 1, 2 एंड 4 वेरी गुड. तो कितने हो गए बेटा 3 फैक्टर हो गए. 3 फैक्टर हो तो क्या बनेगा वो प्राइम बनेगा या कंपोजिट. कंपोजिट करेक्ट. कंपोजिट नंबर बनेगा बेटा. इजी. तो ये नंबर है वो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है पक्का. चलो बी के बारे में सोचते. 56 का दिया इधर 7 × 2 × 2 × 2 टू प्राइम नंबर है 7 भी प्राइम नंबर है तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है. सी के बारे में सोचो 2 × 5 × 7 यस पक्का. 54 के बारे में देखो इधर दिखाई 2 × 3 × 9 टू प्राइम नंबर 3 प्राइम नंबर 9 इज नॉट ए प्राइम नंबर क्योंकि 9 का फैक्टर से 1, 3 एंड 9 दो से ज्यादा है बेटा. 7 का देखो तो आपको पास समझ में आएगा 1 एंड 7 नहीं रहेगा दो ही फैक्टर है. 3 के बारे में सोचो तो 1 एंड 3 दो ही रहेंगे. ओके गुड बढ़िया. तो आपको ये समझ में पूरा आ गया कैसे किया था वो. 10th नंबर डिटरमाइन इफ 25,110 इज डिविजिबल बाय 45 इन 5 एंड 9 आर को प्राइम नंबर्स बराबर है. टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर बाय 5 एंड 9. हमको ये चेक कर लो 45 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है. फैक्टर ऑफ 5 1 एंड 5 फैक्टर ऑफ 9 1, 3, 9 देयरफॉर 5 एंड 9 आर को प्राइम नंबर. वो तो समझ में आ गया आपको. रिक्वायर्स करवा दिया बेटा.
तो देखो हमको देखने का है ये जो नंबर दिया है 25,110 वो डिविजिबल बाय 5 है क्या नहीं है. यस लास्ट डिजिट इज 0 तो 5 से हो सकता है. चलो 9 के लिए क्या रूल बनाया था हमने याद करो. 9 के लिए रियल था सम कर दे रहे हैं क्या बेटा जो भी नंबर है उसका 2 + 5 + 1 + 1 + 0 9 हुआ. ये 9 से भी हो सकता है तो 5 और 9 से हो सकता है तो 45 से होगा पक्का डन लॉक कर दो. Therefore, 25,110 is divisible by 9 and 5. That's why it is also divisible by 45. छोटे से होगा बड़े से होगा. प्रतिया कमाल still now anyone has doubt? आगे चले. लास्ट क्वेश्चन है 2. 11th क्वेश्चन 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3. इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 एंड 3. दैट मीन 2 3 इज 6. सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6. चार वेरी गुड. कैन वी से दैट द नंबर मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4 इंटू 6. 24 से होगा बेटा. If not, give an example to justify our answer. No. Number 12 is divisible by both 6 and 4. But 12 is not divisible by 24. Kyun hua beta? No, it is not divisible by. Because 12 and 36 are divisible by 4. Dusra example liye maine. 36 ke liye beta. 4 and 6 se ho sakta hai. बट 24 से होगा नो. 4 टेबल में 12 आता है. 4 टेबल में 36 भी आता है. 6 टेबल में 36 आता है. 12 में भी आता है. यस बट 24 से डिवाइड होगा नहीं. एग्जाम्पल इज हियर. लास्ट क्वेश्चन आई थिंक सो वी कैन स्टार्ट अवर न्यू एक्सरसाइज ऑल्सो टूडे. आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स. कैन यू फाइंड इट. अरे बाप ये तो बोल दिया आपको. स्मॉलेस्ट 4 प्राइम वेक्टर का मल्टीप्लाई करो बात खत्म. 2 × 3 × 5 × 7 210 फिनिश्ड. सिंस इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द सच टाइप इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ 4 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. प्रोडक्ट ऑफ 4 दैट मीन्स अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस वन. ओवर. वेरी गुड. So here we conclude our lesson. Here is the exercise 3.6 of standard 6 mathematics. Answers are here. Just now we discussed question number 1. Find the HCF of 18 and 48. Students, we have to find out with the factorizations in multiplication method. 18 ka matlab beta 2 into 3 into 3. First we can do like this way. 18 ka do bhag kiya apne tree factor se beta. Yes. 3 into 6, 6 3 जा और 3 6 जा कर दिया बेटा. यस अभी 6 का भी 2 कर दो बेटा. 2 into 3, यस. सो फाइनल आंसर इज 3, 2 एंड 3. राइट स्मॉल नंबर फर्स्ट. 2 into 3 into 3, यस करेक्ट. रिगार्डिंग 48 ऑल्सो यू आर नोइंग वेरी वेल नाउ. और समटाइम्स यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो. दिस मेथड ऑल्सो यूज. सो आई वॉन्ट टू शो यू बोथ द वन 2, 24. Again 2 because it's a even number. 12. Again 2. 6. Again 2. 3. Again 3. Last one is 1. So 2 into 2 into 2 into 3. Yes, it is way. This is the way. This is the way. Got the idea how to get the factors? Very easy method. Sabka multiply karo 48 milega. Okay, beta. To aapke paas HCF of dono ka kya milega? HCF of this one. 18 एंड 48 दोनों में होना चाहिए बेटा. ये दो लिया इधर से, दो लिया दो इधर से लिया. ओके okay, इसके बाद इधर 3 पड़ा है, 3 इधर से उठाया. तो 2 इंटू 3 6. तो 6 के टेबल में 18 भी आता है और 48 आता है. दिस आर द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दिया बेटा. नेक्स्ट वन बी फैक्टर ऑफ 30 एंड 42.
दोनों में कॉमन बेटा 2 into 3 है, 2 into 3 मिल गया 6, थर्ड वन 18 and 16, तो बेटा आपके सामने दोनों में कॉमन है कैसे वाला है, 2 है 2 है, इधर 3 है इधर भी 3 है, बाद में कोई एक दूसरे के साथ कॉमन नहीं है, तो आंसर भी 6 आएगा। देखो तीन क्वेश्चन में 6 6 6 आंसर, डोंट अफ्रेड यू आर 600 स्टूडेंट्स। यस 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 यस। डी फैक्टर ऑफ 27 एंड फैक्टर ऑफ 63, दोनों में कॉमन है सर 3 into 3, दोनों में 3 3 दो बार है बेटा, यस एक बार हियर एक बार हियर एक बार हियर एक बार हियर, तो 3 3 जा 9 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्टर ऑफ 36, 2 into 2 into 3 into 3, वेरी गुड, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36, करेक्ट, दोनों में कॉमन है ऐसा वाला नंबर है 2 into 2 into 3, दैट इज 12, तो 12 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं। उसके बाद का देखो फैक्टर्स ऑफ 34 and 102, आपके दोनों में निकाला 34 आता है आंसर, 2 into 17, प्राइम फैक्टराइजेशन भी हो गया आपके साथ में। यस जी फैक्टर ऑफ 3 नंबर दिए, घबराने का नहीं बेटा, 70 105 and 175, 70 का 2 into 5 into 7, 3 into 5 into 7, 5 into 5 into 7, कॉमन है ऐसा वाला नंबर क्या है बेटा 5 and 7, तीनों में होना चाहिए, कॉमन नंबर मीन्स तीनों में होना चाहिए, एक में होगा एक में नहीं होगा नहीं चलेगा, बराबर है, तो 35 इज द आंसर। एच में देखो बेटा 91 112 and 49, सभी में कॉमन है ऐसा वाला नंबर है 7 and 7 दो बार है 49 का, बट एक ही बार ले सकते हैं, आंसर इज 7। लुक एट हियर आई फैक्टर ऑफ 18 54 and 81, तीन तीन दो बार है, ये तीन हुआ 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 ये तीन हुआ, बात खत्म, ये दोनों में 2 2 है पर हम तीसरे में 2 नहीं है तो नहीं ले सकते, क्लियर गुड, 9 इज द आंसर। लास्ट आंसर ऑफ दिस वन फैक्टर ऑफ 12, 45 and 75 इज हियर, ओनली 3 इज कॉमन, तीनों में ऐसा वाला 3 है, बाकी किसी में तीनों में नंबर में 3 सिवा कोई नंबर रिपीट हो रहा है नहीं, क्लियर। आई एम यूजिंग दिस टाइम रियल लैंग्वेज बिकॉज यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई। लुक एट हियर HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर विल बी 1, जस्ट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाई बिकॉज द क्वेश्चन हियर व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो कंसेक्यूटिव का मतलब है बेटा एक के बाद एक नंबर, सपोज आपने 9 पकड़ा, 9 के बाद कौन आएगा 10, तो उसका जो HCF रहेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वी ऑलरेडी डिस्कस इन अवर इंट्रोडक्शन सेशन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 ही रहेगा, उसके सिवा कोई नहीं रहेगा। मान लो कि 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, तो जैसे आपने पहले 10 पकड़ा तो 10 के बाद क्या आएगा बेटा 12, तो उसका कॉमन फैक्टर रहेगा 2 2, ऐसे ऑड नंबर ले लो बेटा 11 लिया, 11 के बाद कौन सा ऑड नंबर आएगा कंसेक्यूटिव 13, उसका 1 रहेगा, समझ में आया पक्का, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द HCF 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑड नंबर्स, नो द करेक्ट HCF इज 1, कैसे HCF 1 आ गया बेटा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपको समझाया था मैंने, फिर से समझा रहा हूं, क्वेश्चन आप पहले पढ़ लो, क्वेश्चन कुछ ऐसा है बेटा आपके पास, क्वेश्चन क्या है बेटा देखो HCF ऑफ को प्राइम नंबर 4 and 15 वॉज फाउंड एज फॉलो बाय फैक्टराइजेशन, 4 का मतलब है 2 into 2 and 15 का मतलब है 3 into 5, सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर सो HCF ऑफ 4 and 15 इज 0 इज द आंसर, करेक्ट, इफ नॉट व्हाट इज द करेक्ट HCF, बेटा मैंने ऐसे लिखा है कि फैक्टर्स ऑफ 4 एंड फैक्टर ऑफ 15, सबसे पहले वो लिखने का सीखो बेटा, चलो इधर आगे देखते हैं, फैक्टर ऑफ 4 एंड फैक्टर ऑफ 15, यस यू आर नोइंग वेरी वेल 1 2 एंड 4, इसका 1 3 5 एंड 15, चलो दोनों में कॉमन है ऐसा वाला फैक्टर्स कौन कौन से बेटा, 1 तो है, 2 इसमें नीचे नहीं है, 4 ऊपर है नीचे नहीं है, 3 नीचे ऊपर नहीं है,
फाइव नीचे ऊपर नहीं है, 15 नीचे ऊपर 15 नहीं है, तो वन तो एटलीस्ट होगा, जीरो कभी नहीं होगा, एचसीएफ नेवर कम्स जीरो। तो आंसर क्या आएगा बेटा, जीरो नहीं है, इट इज ए वन। हियर वी कंक्लूड अवर एक्सरसाइज 3.5, 3.6। टिल देयर वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशंस, लास्ट एक्सरसाइज इज रिमेन 3.7, वी कैन सॉल्व इन अवर नेक्स्ट सेशंस एंड कंप्लीट द लेसन ऑल्सो। टिल देयर बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, हैव ए गुड डे।